मेरे परिवारजनों, भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत अब ग्लोबल हो चुका है। दुनिया भर के लोगों का इनसे लगाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक प्यारी सी बिटिया द्वारा की गई एक प्रस्तुति, उसका एक छोटा सा ऑडियो आपको सुनाता हूं। जगज्जालपालं कजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं तुरावरमायं सुपद्मसहायं भजेहं भजेहं। नागेन्द्रहाराय त्रैलोचनाय भस्मङ्करागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इससे सुनकर आप भी हैरान हो गए ना, कितनी मधुर आवाज है और हर शब्द में जो भाव झलकते हैं, ईश्वर के प्रति उनका लगाव हम अनुभव कर सकते हैं। अगर मैं ये बताऊं कि सुरीली आवाज जर्मनी की एक बेटी की है तो शायद आप और अधिक हैरान होंगे। इस बिटिया का नाम कैसमी है। 21 साल की कैसमी इन दिनों इंस्टाग्राम पर खूब छाई हुई है। जर्मनी की रहने वाली कैसमी कभी भारत नहीं आई है, लेकिन वो भारतीय संगीत की दीवानी है जिसने कभी भारत को देखा तक नहीं। उसकी भारतीय संगीत में ये रुचि बहुत ही इंस्पायरिंग है। कैसमी जन्म से ही देख नहीं पाती है, लेकिन ये मुश्किल चुनौती उन्हें असाधारण उपलब्धियों से रोक नहीं पाई। म्यूजिक और क्रिएटिविटी को लेकर उनका पैशन कुछ ऐसा था कि बचपन से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया। अफ्रीकन ड्रमिंग की शुरुआत तो उन्होंने महज 3 साल की उम्र में ही कर दी थी। भारतीय संगीत से उनका परिचय 5-6 साल पहले ही हुआ। भारत के संगीत ने उनको इतना मोह लिया को इसमें पूरी तरह से रम गई। उन्होंने तबला बजाना भी सीखा है। सबसे इंस्पायरिंग बात तो यह है कि वे कई सारी भारतीय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर चुकी है। संस्कृत, हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ या फिर असमी, बंगाली, मराठी, उर्दू, उन्होंने इन सब में अपने सुर साधे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी को दूसरी अनजान भाषा की 2-3 लाइनें बोलनी पड़ जाए तो कितनी मुश्किल आती है। लेकिन कैसमी के लिए जैसे बाएं हाथ का खेल है। आप सभी के लिए मैं यहां कन्नड़ा में गाए उनके एक गीत को शेयर कर रहा हूं। नम्मा वचना बहुवचना नुडीरु कन्नड नडेरो कन्नड़ा। नम्मा वचना बहुवचना नुडीरु कन्नड नडेरो कन्नड़ा। भारतीय संस्कृति और संगीत को लेकर जर्मनी की कैसमी के इस जुनून की मैं हृदय से सराहना करता हूं। उनका यह प्रयास हर भारतीय को अभिभूत करने वाला है।